यस, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आप लोग को नहीं आ रही क्या? मिस्टर करण, मिस्टर आदित्य, मिस नीतू, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? बताते नहीं हूँ आप। यस तो यही बात तो हम पूछ रहे हैं, इतना समय लेते हो, हमको लगता है कि नहीं आ रही है। तो मेरी आवाज आप लोग को बिल्कुल क्लियर आ रही है। टीच मिंट में आप लोग का स्वागत है, नया टीचिंग प्लेटफॉर्म। और कुछ बच्चे जैसे विनीश हो गए, नीतू हो गए, उन्होंने अभी अभी मेरे को सेंड किया इनको, अपने अभी अभी लिंक को खोला। दरअसल इसमें पहले से आप कर लेते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें एक बार आप क्लास में इनरोल हो गए ना विनीश, उसके बाद दोबारा रोज रोज लिंक नहीं आएगी। एक बार क्लास में इनरोल हो सर। गए तो हो गए, बस आपको करना क्या होगा कि हर दिन इसी टाइमिंग पे आपको क्लास में लाइव ज्वाइन करना होगा। और उसके लिए भी डेली उसमें टीच मिंट में टुडे शेड्यूल करके लिख के आता है, हर दिन आ जाइए। सबसे ऊपर टुडे शेड्यूल, उसके अंदर बॉक्स बने रहते हैं कि 8:30 से लेके 10 बजे तक आपकी ये क्लास होनी है, फिर 10:30 से लेके 12 बजे तक दूसरी क्लास होनी है, ऐसे लिखा होता है। आप लोग देखे भी होंगे, 10:30 से 10 बजे तक मैथ की क्लास होनी है, होती है। उसी के नीचे लिखा होता है ज्वाइन नाउ, मतलब आप 8:30 बजे उस क्लास में ज्वाइन हो जाए। कहने का मतलब ये, जब तक 8:30 नहीं बजते हैं ना, तब तक केवल लगभग ज्वाइन ना वाला ग्रीन कलर का होता है, मतलब कि अभी 8:30 बजे नहीं है। जो ही 8:30 बज जाएंगे, ये वाला बॉक्स ज्वाइन ना वाला ऑरेंज कलर का हो जाएगा, इसका मतलब आप लेट हो गए। सब छोटी छोटी इसकी इंफॉर्मेशन है, जिसको आप समझ लें अच्छा रहे। ठीक है, चलिए। है ये तो टीच मिनट की बातें थी, हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, हम पढ़ रहे थे। और पॉलिनोमियल में हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझ लिया था, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी समझ लिया था। और पिछले क्लास में डिस्टर्ब होने के कारण कुछ बच्चे गायब हो गए थे और कुछ बच्चे थे, तो उनको मैंने ये भी बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होते हैं। ये मैंने बता दिया था, और मैंने ये बता दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके बराबर हो। ठीक है ना, ये बातें मैंने बता दी थी, कुछ बच्चे गायब हो गए थे, कुछ बच्चे थे तो वो समझ गए। लेकिन फिर भी हम आपको एक मौका दे रहे हैं, अगर आपको ये बातें नहीं आती हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, तो एक बार पूछ लीजिए तो हम बता देते हैं। आती होंगी, आती है क्या? नीतू, डू यू नो दिस थिंग, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पता है आपको ये बातें? ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। खैर, अगर पता है तो भी ठीक, नहीं पता है तो खैर ठीक। कहने का मतलब, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो,
कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं। मैंने बताया कि जो पॉलीनोमियल की डिग्री होती है जीरोस मैक्स टू मैक्स उतने हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में या तो हो सकता है एक भी जीरोस ना हो सकता है एक जीरोस हो और हो सकता है कि दो जीरोस हो। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ है तो ये एक एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर पाया, इसका मतलब एक भी जीरोस नहीं। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ है तो एक एक्सिस को दो पॉइंट में कट कर रहा है, इसका मतलब इसके दो जीरोस हैं। और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो यहाँ पे भी एक एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यह हो सकता है एक जीरोस हो क्वाड्रेटिक का, या हो सकता है दो हो, या हो सकता है एक भी ना हो। तो अगर दो जीरोस हैं तो दोनों का जोड़ यानी दोनों जीरोस को अगर हम जोड़ दें तो हमेशा उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जो x का कोएफिशिएंट होता है माइनस ऑफ दैट कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। और कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं ना, इसलिए छूट जाता है, पढ़ तो हम पढ़ा तो हम दिए ही है, टीच मिनट में ऐसी बातें नहीं होंगी। अगर आप गायब हो जाएंगे तो गायब हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा दोबारा से हमसे पूछेगा कि सर हम तो नहीं दें, तो आप जैसे देख रहे होंगे आपके नीचे आप में आ रही सी रिकॉर्डिंग हो रही, तो वो रिकॉर्डर वर्जन जाके देखिए। चलिए अब देखिए इसके एक फायदे, जैसे अगर फायदा क्या है, मान लीजिए हम लिखें, मैंने ये लास्ट क्लास में कराया था फिर भी करा दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो एट ऑप्शन वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल अभी भर रहे हैं ऑप्शन, दूसरा एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल, तीसरा ऑप्शन एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल, चौथा ऑप्शन एक्स इक्वल टू और एक्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन कंपटीशन है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसके किस पे टिक लगाएंगे? ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जीरो आएगी एक्स के इस्तेमाल। एक तरीका तो जो मूर्ख लोग होंगे वो ये पढ़ना उनका व्यर्थ चला गया अगर यूज नहीं कर पाए। मूर्ख लोग क्या कर रहे होंगे, इस एक्स की वैल्यू एक एक करके पुट करके चेक कर रहे होंगे एग्जाम में, कितनी बड़ी मूर्खता है, चार ऑप्शन है सब में दो दो वैल्यू है, आठ वैल्यू चेक करें। जैसे मान लीजिए अगर पहला ऑप्शन चेक करेगा वो, तो वो ऐसे करेगा x करेगा माइनस टू रखेगा, तो माइनस टू स्क्वायर प्लस सेवन इंटू माइनस टू प्लस टेन, अब माइनस टू का स्क्वायर हो गया फोर, ये माइनस फोर्टीन प्लस टेन दस और चार हो गया फोर्टीन, फोर्टीन माइनस फोर्टीन इज जीरो, राइट हैंड साइड में जीरो, मतलब x x की इस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद वो x इक्वल टू फाइव पर चेक करेगा, x equal to 5 रहेगा तो 5 5 जो 25 plus 7 5 जो 35 plus 10 ये तो जीरो नहीं आ रहा है, तो इस ऑप्शन को फिर कट लगाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा चेक करेगा, फिर तीसरा चेक करेगा, ऐसे ऐसे करके चेक करता फिरेगा। ये दरअसल आपने इसमें मूर्खता का परिणाम दे दिया है, जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने पढ़ना व्यर्थ हो गया कि सम ऑफ जीरोस दरअसल कुछ नहीं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। मतलब कि इसमें जो जीरोस हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं, अगर दोनों जीरोस को जोड़ दिया जाए सम कर दिया जाए तो वो बराबर होगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है सेवन, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वन, मतलब कि माइनस सेवन आना चाहिए।
सारी बात समझ में। और एक ऑप्शन और हम देते हैं आपको, चलिए पांच ऑप्शन। अब देखिए इसमें माइनस सेवन आना चाहिए, ठीक है, इसको चेक, इससे चेक करेंगे ना तब तो फायदा है। तो तुरंत हम देखेंगे माइनस टू और फाइव को जोड़ेंगे, माइनस टू और फाइव को जोड़ेंगे तो हमको थ्री मिलेगा। इस ये ऑप्शन उस हिसाब से हो गया कट, क्यों कट हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में अगर दोनों जीरोस को जोड़ा जाए तो माइनस सेवन के बराबर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यह मूर्खता का परिणाम, सॉरी मूर्खता कह रहे हैं, यह अकलमंदी का, यह आपने अकलमंदी की है कि ऐसे कटा है, आसान पड़ा है, बस जोड़ना ही तो है, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहां पर उस हिसाब से माइनस टू और जीरो जोड़ेंगे तो माइनस टू आएगा, माइनस सेवन नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट हो गया। थ्री और माइनस फाइव जोड़ेंगे माइनस टू आएगा, वो भी माइनस सेवन नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट हो गया। उसी तरीके से माइनस टू जोड़ेंगे माइनस सेवन जोड़ेंगे तो माइनस सेवन आएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होने के चांसेस बन रहे हैं। पर एकदम से मान नहीं लेना है, तुरंत तब भी जल्दबाजी कर देते हैं बच्चे। आप देखिए यहाँ माइनस वन माइनस सिक्स जोड़ेंगे तब भी माइनस सेवन आएगा, तो पांचवा ऑप्शन भी सही होने जैसा लग रहा है, लग रहा है कि पांचवा भी सही हो जाए और चौथा भी सही हो जाए। ऑप्शन तो खाली एक ही सही होता है एमसीक्यू में, अब क्या करें, तब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अगर दोनों जीरोस का गुणा कर दिया जाए तो वो बराबर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर जीरो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर जीरो क्या है, यहाँ पे टेन है, टेन के आगे कुछ नहीं है तो एक्स का पावर जीरो लगा सकते हैं ना हम, कॉन्स्टेंट टर्म के आगे एक्स का पावर जीरो लगा सकते हैं, वो वन आता है, एक्स का पावर जीरो वन, तो टेन वन जा टेन, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर जीरो इज टेन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज वन, तो टेन अपॉन वन आंसर इज टेन। मतलब कि सिर्फ सम नहीं है, अगर दोनों को गुणा किया जाए तो टेन मिलना चाहिए। अब यहाँ माइनस वन और माइनस सिक्स का गुणा करेंगे तो सिक्स आएगा, टेन नहीं आएगा, उस हिसाब से ये ऑप्शन कट। और माइनस टू और माइनस फाइव का गुणा करेंगे तो टेन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव टू जा टेन, और जोड़ेंगे माइनस टू माइनस फाइव तो माइनस सेवन आएगा, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन आप टिक करके रहेंगे। देखा कैसे किया मैंने चेक। अब कुछ लोग जो है एक एक वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, वो आप 10 मिनट में ये क्वेश्चन कर पाएंगे कंपटीशन में। आ रही बात समझ में, बताइए मेरी बात आप लोग को समझ में आई है या नहीं आई, बताइए। कोई कुछ बोलता नहीं, आप बोलिए। विदेश ऐसा लग रहा था कि विदेश कुछ पूछ रहा था, सर साइड हट जाओ, साइड अच्छा। एक बात और, इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जीरो को बुक में कहीं कहीं कांस्टेंट भी लिखा होगा, जैसे कि पिछले क्लास में बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जीरो बोले या कांस्टेंट बोले, वो एक ही बात है, दोनों बात इज सेम, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ आगे बातें करते हैं। अब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आपको जीरोस दिया होता है, और पूछता है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा। मान लीजिए कि बोला है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, उसका सम ऑफ जीरोस मतलब उसके जो जीरोस हैं अगर हम उसको जोड़ दें तो हमको मिलेगा, मान लीजिए रूट टू, एक क्वेश्चन आपका हम कर रहे हैं, और मान लीजिए अगर हम दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, तो मान लीजिए आपको मिलेगा
वन बाई थ्री। अब बोला है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसका जीरोस अगर हम जोड़ें तो रूट टू आए, और अगर उसके जीरोस को मल्टीप्लाई करें तो वन बाई थ्री आए। अब आप बताइए कि वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपका जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी हो सकता है, सी की जगह कुछ भी हो सकता है, यही तो जनरल फॉर्म है। जितनी जितना डिग्री होता है ना पॉलीनोमियल का टर्म्स, उसमें मैक्सिमम उतनी हो सकता है, उससे एक ज्यादा हो सकता है। जैसे इसमें क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना है, दो होता है ना, उसमें टर्म ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते हैं, एक दो तीन, या हो सकता है अगर ये फोर एक्स स्क्वायर निकालता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, टर्म कितने हैं एक, या हो सकता है फोर स्क्वायर प्लस टू लिखा हो कितने टर्म है दो, या हो सकता है फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री लिखा हो कितने टर्म है तीन, इसके अलावा चार टर्म नहीं आप बना सकते क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब आप में से बहुत लोग की बुद्धि लग रही होगी, बोल रहे सर चार प्लस फोर कर दिया तब चार टर्म नहीं हो गया। अरे मूर्खता की प्रणाम किया, तीन और चार को जोड़ना देंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन लिख देंगे, इसको थोड़ी ना थ्री प्लस फोर करके छोड़े रहेंगे उसको, तो तीन हो गया। तो हमेशा जितनी डिग्री है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होगा, मैक्स टू मैक्स, उससे कम हो सकता है। इसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो उसमें एक टर्म होंगे या दो टर्म होंगे या तीन टर्म होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो उसमें हो सकता है एक टर्म हो या दो टर्म हो या तीन टर्म हो या चार टर्म हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलिए ये बातें हम छोटी छोटी बातें जो बारीकियां हैं जो आपको और कहीं मिलती हैं, मुश्किल से मिलती हैं, मिल भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती होगी। तो हमारा मेन फोकस वही रहता है कि आपको उसका निचोड़ पता चले पूरा, जैसे इसका पूरा निचोड़ क्या था वो पूरा पता चल रहा है। उसका निचोड़ ये है कि जो जीरोस है उसको जोड़ देंगे तो वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। क्या आएगा, अगर इसको सम को जोड़ दें, सम ऑफ जीरोस को जोड़े तो क्या आएगा भाई, माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। क्यों, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b is minus coefficient of x, a is coefficient of x square। उसी तरीके से product of zeros करें, product of zeros करें तो the answer will be c by a, c by a is by constant upon coefficient of x square, constant upon coefficient of x square, या यू कहें coefficient of x का power zero, क्योंकि c के आगे कुछ नहीं है तो x का power zero है। मेरा वीडियो अटक रहा है क्या, या क्लियर आ रहा है? अटक रहा है सर, अटक रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, अभी क्लियर आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है रूट टू, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है वन अपॉन थ्री दिया हुआ है। इसको देखिए, अब इसको अगर इसको खाली देखिए, खाली इतने पार्ट को, इस इक्वेशन को अगर हम ए की जगह वन ले लें तो बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस रूट टू होगा कि नहीं। ए की जगह वन पुट करेंगे तो वन इधर जाएगा, रूट टू इंटू वन हो जाएगा, अब माइनस बी इज इक्वल टू रूट टू, तो बी इज इक्वल टू माइनस। अब इसको देखिए, चूंकि हम a को 1 मान लिए हैं तो c कितना हो जाएगा, 1 by 3, a की जगह 1 करते हैं तो c is equal to 1 by 3, तो a is equal to 1, b is equal to minus root 2 और c is equal to 1 by 3। बस यहाँ a की जगह क्या रखती है 1, तो ये 1 into x square हो गया, 1 लिखते नहीं है, coefficient 1 नहीं लिखा जाता है अगर शुरू में हो तो, बात नहीं हो तब भी नहीं लिखते। बी की जगह क्या रखना होगा, माइनस रूट टू एक्स
और सी की जगह प्लस वन बाई थ्री। तो यही वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसका अगर हम जीरोस निकालें, दो जीरोस निकलेंगे और उन दो जीरोस को जोड़ दें तो वो टू आएगा, और अगर उन दो जीरोस का गुणा निकाल दें, गुणनफल प्रोडक्ट निकालें तो वन बाई थ्री आएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना। इसी तरीके से आप जो है आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 आप होमवर्क कॉपी में आज की डेट में करेंगे। अच्छा, इन 6 में आपको हमने क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 अभी जो बताया वो क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है ना? और उसी तरीके से आप 6 क्वेश्चन करेंगे, कर लेंगे ना? ये तो देखिए उल्टा था, यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मुश्किल है कि जीरोस दिया हो और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पूछा हो। अच्छा ये बताइए ये कर लेंगे कि नहीं? कुछ कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, ये होमवर्क की कॉपी में आज की डेट डाल के करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, ये तो हमने पहले कठिन बता दिया। अगर मान ली सीधा दिया हो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हो और उसका जीरोस पूछा हो तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया है bx = 2, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये दिया हुआ। अब बोल रहा है कि इसका जीरोस पता लगाइए। जीरोस का मतलब कि एक्स की वो वैल्यू जिसपे ये पूरा पॉलीनोमियल जीरो आता हो, मतलब एक्स की जगह पुट करें तो वो पूरा कैलकुलेट होकर जीरो आ जाए। तो क्यों ना इस पूरे को जीरो के बराबर कर दे और इसकी वैल्यू निकाल लें, है ना? ये बातें आप पिछली क्लास में पढ़ाए समझाएं, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे एक क्लास में, जैसे आपने सीखा होगा और वो भी हम पिछले क्लास में भी सिखाए थे कि इसके आगे कुछ नहीं है तो वन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐसे नंबरों को सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो एट आए और यहाँ वो माइनस है तो घटाने पर टू आ जाए, तो ऐसा नंबर 4 2 है, 4 2 8 होता है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाए। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, अगर माइनस 4x प्लस 2x को अगर सॉल्व करेंगे, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x ही आएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा। मतलब बस हमने क्या किया है, इस वाले नंबर को ऐसे लिख दिया है, कोई बेईमानी नहीं की है, बस उसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दिया है। अटक रहा होगा वीडियो, थोड़ी देर रुकिए, अभी अभी क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, अब इसको करने का फायदा क्या होगा कि इसको फायदा ये हुआ कि हम यहाँ से इसमें से अगर हम कॉमन लें, x कॉमन हो गया तो हो गया x माइनस 4, और यहाँ से हमको ऐसा ही कॉमन लेना है कि x माइनस 4 आया यहाँ पर और वो नंबर है 2, 2x माइनस 2 इंटू 4 टू द 8 माइनस 4। और यहाँ से देखिए इसको पूरा x समझिए, एक समझिए, ये चीज दोनों में कॉमन है तो x माइनस 4 कॉमन हो गया और यहां से बच गया x और यहां से बच गया प्लस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना? अब ये नंबर तभी 0 होगा या तो x माइनस 4 0 होगा या और x प्लस 2 0 होगा, दोनों में से कम कोई एक 0 जरूर होगा। मैंने आपको बताया था कि a इंटू b अगर 0 है इसका मतलब या तो a 0 है या b 0, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 जरूर है, तभी राइट हैंड साइड में 0 आएगा, है ना? तो अगर ये 0 है तो x = 4 और अगर ये 0 है तो x = -2, तो
तो इसके दो जीरो निकल गए, एक तो फोर एक तो माइनस टू। आप वैसे भी पुट करके देखें, यहाँ पर फोर पुट करके देखिए जीरो आ जाएगा। देखिए पुट करके फोर स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर माइनस एट, सिक्सटीन माइनस एट माइनस एट, सिक्सटीन माइनस एट एट सिक्सटीन, और ये आ गया जीरो। वीडियो अटक रही है, मैंने वीडियो अटक रही थी, ये मैंने बस फोर पुट किया और ये जीरो आ गया है। उसके बाद अगर माइनस टू देख कर रख के देख ले, आप देखिए माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फोर जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस टू हो जाएगा प्लस फोर और माइनस एट, तो फोर प्लस फोर इज एट, माइनस एट उसमें से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया जीरो। ठीक, तो जीरो आएगा दोनों में, ये मतलब ये दोनों जीरो है। अब देखिए आपको वो हम वेरीफाई करके भी दिखाते हैं, अगर हम दोनों जीरोस को जोड़ें फोर प्लस माइनस टू, क्या कर रहे हैं दोनों जीरोस को जोड़ेंगे तो अपने को मिल रहा है टू, तो क्या ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस टू है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, इसके बराबर नहीं है, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर है। और उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट देखें फोर इंटू माइनस टू तो आएगा माइनस एट, और ये आप देखिए कॉन्स्टेंट क्या है माइनस एट बाई वन, वन टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर नहीं है, है कि नहीं है बताइए। तो हमने इस तरीके से आपको वेरीफाई करके दिखा दिया कि जो हम फॉर्मूला सीखे हैं वो सही सीखे हैं, कि दोनों जीरोस को अगर जोड़ा जाए तो वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आता है, सॉरी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आता है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई है। है ना, बताते नहीं है आपको, बोलिए आ गए सर। अच्छा आ गए, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर वन आप कर लेंगे, टोटल छह क्वेश्चन है। टोटल इसमें छह क्वेश्चन हैं, ये आप होमवर्क कॉपी में करेंगे, और अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर वन बताया है, क्वेश्चन नंबर वन अभी हमने कराया, और बाकी आप उसी तरीके से खुद से करेंगे, ठीक है ना। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तीसरी बात, और वो बात है डिवीजन एल्गोरिदम और पॉलीनोमियल, ये हम आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाएंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे। डिवीजन एल्गोरिदम और पॉलीनोमियल मतलब कि हम पॉलीनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, ये बात आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जिस तरीके से आप डिवाइड करते हैं थ्री को सिक्सटीन से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, फाइव थ्री जब फिफ्टीन होता है और ये वन आता है, ये जो रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर ये आप देखे होंगे हर हालत में छोटा होता है डिवाइजर से, होता है ना, अगर डिवाइजर के बराबर होगा तो एक टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा छोटा होता है। उसी तरीके से जब हम पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं, मान लीजिए अगर हम एक पॉलिनोमियल पी एक्स है उसको दूसरे पॉलिनोमियल क्यू एक्स से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, मान लीजिए रिमाइंडर आया आर एक्स रिमाइंडर, इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ा चुके हैं, इसकी जो डिग्री होती है वो छोटी होती है डिग्री ऑफ डिवाइजर से, मतलब मान लीजिए जी एक्स डिवाइड कर रहे हैं तो जी एक्स,
जी क्यू इसलिए कर लिया क्योंकि क्वेश्चन को ज्यादा क्वेश्चन को क्यूएस कर रहे होते हैं, मान तो कुछ भी सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं कि रिमाइंडर का जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री डिवाइजर पॉलिनोमियल से हर हालत में छोटी होगी। ठीक, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आगे डिवाइड करते कैसे हैं। एक डिवाइड हम करके आपको दिखाते हैं, बाकी आप डिवाइड आराम से सीख जाइएगा, देख लीजिएगा। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए हमको 2x स्क्वायर को, ध्यान दीजिएगा आप 9th क्लास में भी सीखे हैं इसको, प्लस 3x, ये 9th में भी था, 3x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ठीक है, आइए सीखिए बड़े ध्यान से, बहुत बारीकियां हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहां पर ऐसे नंबर लिखें कि ये x से मल्टीप्लाई होकर इसका फर्स्ट टर्म आ जाए। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो अपने को x से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि x इंटू x करके x स्क्वायर आ जाए, और यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अगर हम x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 2x स्क्वायर मिलेगा, और ये 2x स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से, जिससे बिल्कुल यहाँ पे देखिए 16 और 3 था तो हम 3 5 क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखते हैं, 3 5 क्या लिखते हैं, ये 15 कहाँ से आया है, 3 2 5 है, तो ये वाला नंबर क्या है, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, अभी वो आएगा दिस इंटू दिस, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 2x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 2x स्क्वायर हो गया और 2 2 4x हो गया। मतलब ये वाली चीज आनी है यहाँ पर, मतलब कि इस x का मल्टीप्लाई 2x जो आया, 2x का मल्टीप्लाई x से भी और उस 2x का मल्टीप्लाई 2 से भी, तो 2x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4x। बताइए समझ में आ रहा है रीजन। अब देखिए बिल्कुल यहां पर क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, यहां वाला ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, बिल्कुल यहां भी साइन चेंज कर देंगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और जब माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता है। जैसे देखिए अगर 4 में से हमको माइनस करना है 2 प्लस 3, तो यहां पे हम जब 4, तो ये पूरा साइन देखो 2 का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और मान लो यहां माइनस है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना। जब हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर का पूरा साइन बदल जाता है, इस पूरे को अगर हम 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके पूरे का साइन बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम यहाँ से इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। ठीक, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऐसे काट देते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं, काट दिया मतलब 0 आ रहा है, और 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x कितना आ रहा है, 3x माइनस 4x कितना आएगा बताइए, माइनस x आएगा, आएगा ना, यहाँ पे आया माइनस x प्लस 1। फिर वही गेम करेंगे, क्या गेम करेंगे, इस x को ले आने की कोशिश करेंगे, तो इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि रुक गया अटक गया, हाँ इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स आएगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू माइनस विल बी माइनस एक्स, एंड टू इंटू माइनस वन विल बी माइनस टू, फिर साइड चेंज, ये माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, और वन प्लस टू इज थ्री, इसका रिमाइंडर जो बचा वो 3 बचा। 3 का मतलब क्या होगा कि 3 x का पावर 0,
यही आपका आर एक्स है, ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है बेसिकली, तो इसकी डिग्री कितनी है जीरो, और आपके डिवाइजर जो था जी एक्स था उसकी डिग्री कितनी थी वन थी, इसकी डिग्री कितनी थी वन थी, तो आप देख रहे होंगे कि डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। जैसा कि आप देखें यहां पर आपको पता है डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको कोशेंट बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, ये सब नाम है, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो आप देखिए डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेवा में पढ़ा था, ज्यादा रहा होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेवा में यही कुछ पढ़े थे। देखिए डिवाइजर क्या है इसका, थ्री इंटू कोशेंट क्या है फाइव प्लस रिमाइंडर क्या है वन, फाइव थ्री या फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन, डिविडेंड के बराबर आ रहा है, सिक्सटीन के बराबर आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी होता है, क्या होता है डिविडेंड इसका जो है, मान लीजिए अगर हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो डिविडेंड हो गया पी एक्स, तो पी एक्स बराबर होगा जी, मान ली कोई डिवाइजर आएगा तो ये कोशेंट आएगा क्यू एक्स, उसमें आर एक्स को प्लस, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, बताइए समझ आया कि नहीं। बताइए आश्वस्त कीजिए आपको कि आपको समझ में आया ये बात, नहीं आया क्या, बोलिए। अरे बता नहीं रहो, नीतू विनेश रोहित बताओ। यस सर, आ गए ना, तो बोलते क्यों नहीं हो, हमको ये बात नहीं समझ में आती, हम पूछ रहे हैं कि आया कि नहीं आया, नहीं आया तो भी बताओ कि नहीं आया, आया तो बोलो आ गया। चलिए तो एक डिवाइड हमने किया, एक आध डिवाइड और भी हम कर देंगे अगर आप कहेंगे तो, पर ये डिवाइड आपको एक्सरसाइज 2.3 में करने हैं और क्वेश्चन नंबर है वन, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर वन आप देखिए बुक खोलिए, उसमें तीन पार्ट दिए हुए, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों आपको करने नहीं है, एक आप बोलिए एक हम बता देते हैं, दो आप कीजिएगा, बताइए इन तीनों में से हम कौन सा बताएं डिवाइड करके, बताइए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर वन में तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तीन क्वेश्चन में से दो आपको होमवर्क करने, एक हम अभी बताएंगे, लेकिन होमवर्क तो उसको उसको भी करना है, लेकिन हम आपकी सहायता के लिए एक बताना चाह रहे हैं, आप बताइए कि इन तीनों में से हम आपको कौन सा क्वेश्चन करके बताएं, तो सेकंड बता दें, सेकंड बता दें, सेकंड बता देते हैं, देखिए सेकंड लिखा हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और जी एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है ना, इसको आपको डिवाइड कर, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस जीएस को अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ा
dx बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये जनरल फॉर्म में लिखे, प्लस 1 पहले है हमने कुछ नहीं किया, माइनस x पहले कर लिया प्लस 1 कर लिया, आसानी होती है। अब देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस x, जरा हमको समय दीजिए हम इसमें हिंट भरें, देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में हमको डिवाइड करना है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। देखिए अब जैसे हमने बताया कि इस x के पावर 4 को इस x स्क्वायर से ऐसा कुछ कीजिए कि x का पावर 4 आए, सीधी सी बात है अगर हम x स्क्वायर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आएगा, लेकिन अगर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो माइनस x इनटू x स्क्वायर माइनस x x क्यूब, यहाँ देखिए कहीं x क्यूब है नहीं है तो यहाँ लिख लीजिए साइड में, माइनस x x क्यूब हो गया प्लस 1 इनटू x स्क्वायर तो क्या हो गया प्लस x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं, पहले यहाँ पे क्लियर करो, यहाँ तक समझ में आया तब हम आगे बढ़े। यस सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, x पावर 4 माइनस x पावर 4 कैंसिल आउट, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज माइनस 4x स्क्वायर, और ये तो प्लस 4x उतर गया, प्लस 5 उतर गया। अब जानते हैं इस ये माइनस प्लस प्लस x क्यूब हो गया, इस x क्यूब को हम यहां लिख दे रहे हैं, वहां ना लिख के कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हम एक क्रम में जा रहे हैं, x क्यूब स्क्वायर ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस हो गया तो प्लस x क्यूब यहां लिखते हैं, तो उसकी जगह हम प्लस x क्यूब यहां लिखते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब इस x क्यूब बनाना है हमको x स्क्वायर से, तो इसमें क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू x x क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया x क्यूब, और x इंटू माइनस x हो गया माइनस x स्क्वायर, और 1 इंटू x हो गया x, फिर हम क्या करेंगे साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट, x माइनस x क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 4x प्लस 4x इज माइनस 3x स्क्वायर, और 4x माइनस x इज प्लस 3x प्लस 5, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर के वजह से कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ माइनस 3 का इंटू करें माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया, छोटा छोटा नजर आ रहा होगा तो भी बताइएगा, माइनस 3 का इंटू माइनस x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू x इज 3x, तो ये आ जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पे 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3। अब देखिए माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, है ना, और ये माइनस 3 था तो ये हो गया प्लस, तो 5 प्लस 3 इज 8, और यही बच गया 8, बच गया रिमाइंडर, तो ये क्या बच गया रिमाइंडर बच गया, इसका कोशिएंट कितना हो गया, क्वेश्चन पूछा था कोशिएंट बताइए, तो इसका कोशिएंट हो गया ये वाला x स्क्वायर प्लस x माइनस 3,
और रिमाइंडर कितना हो गया भाई, रिमाइंडर हो गया एक। आई बात समझ में नीतू? नीतू ने पूछा था, दूसरा क्वेश्चन बताइए। तो हम दूसरा क्वेश्चन समझा दिए, नीतू समझ आया कि नहीं? यस सर। तो बिल्कुल नीतू, इसी तरीके से आपको पहला दूसरा तीसरा तीनों होमवर्क कॉपी में करना है। दूसरा हम बता दिए तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको होमवर्क कॉपी में उसको करना नहीं है, और इसका ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि आप इसको देख कर उसमें छाप लें, खुद से कीजिए ना, हमारे करने से थोड़ी होगा, एक बार अपने अपने से भी तो बैठ कीजिए। चलिए अब उसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, 2.3 का, यही 2.3 का क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि चेक वेदर द सेकंड वन इज द फैक्टर ऑफ फर्स्ट वन और नॉट। नहीं सॉरी, जब पहले लिखा हुआ है तो पहले वाले का फैक्टर है या नहीं है, तो इसको जानते हैं कुछ नहीं करना है। हम कहें कि 12 का फैक्टर है या सॉरी 3 12 का फैक्टर है कि नहीं, तब तुरंत 3 से डिवाइड कर लो 12 को, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब 3 12 का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जैसे पहला वाला है, पहला वाला लिखा हुआ है 2² - 3। अब पूछा है कि ये नंबर 2² - 3 क्या 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। पूछा है ये वाला पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं करना है आप, इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे मान लीजिए 13 होता तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, 1 आता, इसका मतलब 3 13 का फैक्टर नहीं है, है ना, फैक्टर समझा चुके हैं, फैक्टर इसको बोलते हैं, 3 13 का फैक्टर नहीं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड करके चेक कर लेना है, और डिवाइड करने का तरीका हम अभी आपको सिखाएं, फिर भी एक बार डिवाइड कर देते हैं, चलिए यहाँ ये देखिए हम डिवाइड कर देते हैं 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 को डिवाइड करना है 2² - 3 से। तो अब हम तेज करेंगे क्योंकि हम समझा चुके हैं ना, एक बार आपका स्पीड बढ़ाइए, आप लोगों को भी स्पीड बढ़ाना चाहिए। अब t² है t⁴ है, तो t² पहले हो गया और 2 यहाँ था तो 2 कर दिया, तो 2t⁴ हो गया, और 2t² - 3t से करें तो -6t² और -6t² को हम t² के साथ लगा देंगे ताकि माइनस करना आसान हो, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और ये वाला कैंसिल आउट, और यहाँ पे 3t³ उधर गया एज इट इज, -2t² + 6t² हो गया +4t² -9t और -12। अब ये 3t³ बनाना है, 1t की कमी है स्क्वायर पहले से, तो 1t पहले हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये 3 और जोड़ना पड़ेगा तो 3t को 2² में मल्टीप्लाई करोगे 3t³ आएगा, दैट इज 3t³। अब 3t को -3 3 3 9 -90 यहाँ लिखेंगे आप -90 इसके साथ, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला कैंसिल आउट, -90 + 90 = 0, 3t³ - 3t³ = 0। क्या बच गया भाई? 4t² - 12 बच गया, t² यहाँ भी है, t² यहाँ भी है, बस हमको +4 से इंटू करना है, 4t² बन जाएगा, और इस 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 = 12, +4 - -3 - 12 ये आएगा -2, साइन चेंज करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 4t² - 4t² = 0, -12 + 12 = 0, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि t² - 3 4t² - 2t² - 9t - 12 का फैक्टर होगा। इसको देखिए बोलने में हम थोड़ा प्लस माइनस इधर उधर बोल रहे हैं,
लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, इसको हमने जांच किया है। ठीक, तो ऐसा लिखोगे यस। क्या लिखोगे? टी पावर टू माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ व्हाट? ये पूरा यहां पर लिखो। ठीक है ना, बताइए समझ आ गया कि नहीं? तो उसी तरीके से आप फैक्टर चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में पहला हमने भी बता दिया आपको, दूसरा तीसरा आप से प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, थोड़ा आसान, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थ्री आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसके दो जीरोस हैं, एक जीरो इसका है, इसके दो जीरोस दे रखा है। कौन कौन से? एक जीरो है √5/3 और दूसरा जीरो है −√5/3 और बोला है बाकी जीरोस आप खुद से पता लगाइए। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है। तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, या तो 1 हो गया, या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 2 दे रखा है और अगर 4 है तो 2 आपको बताने। अब ये आप जांचिए कि पहले है कि नहीं है, या हो सकता सिर्फ 2 ही हो, हो सकता 3 हो, हो सकता 4 हो। तो अभी तो हम मान चलेंगे कि मान लो 4 है, तो 4 है तो 2 दिए हुए और 2 आपको पता लगाना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, उसके बाद 9th में आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि अगर PX कोई पॉलिनोमियल है और PA 0 आ रहा है, मतलब X के जगह अगर हम उस पॉलिनोमियल पे A रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि X माइनस A इस PX का फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम है, ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम। तो अगर √5/3 जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, मतलब इस p की जगह अगर हम √5/3 रखें तो ये पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा। p √5/3 क्या आएगा? जीरो आएगा, इसमें जीरोस है। तो आज का मतलब अगर हम x माइनस √5/3 करें तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर हो, मतलब इसको ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा। मतलब इसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो अपने को जीरो मिलेगा। ठीक है, ये भी फैक्टर है, तो इसका मतलब x माइनस ऑफ माइनस √5/3 भी इसका फैक्टर होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास तो बोर्ड है तो हम उसका फायदा उठा लेते हैं, हम मिटा के लिख देते हैं। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा मैंने? एक जीरो दिए है तो दूसरा जीरो दिए, तो जीरो का मतलब है कि उस वैल्यू पर, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। और जिस पर एक्स के जिस मान पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है, एक्स माइनस ऑफ दैट नंबर, एक्स के वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, वो एक्स की वो वैल्यू ले लें एक्स माइनस ऑफ दैट वैल्यू, तो वो चीज उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। क्या क्या बोले समझ आया कि नहीं? फैक्टर थ्योरम पढ़ा तो होगा 9th में, नहीं आ रही क्या समझ में बात? यस आ रही। तो अब देखिए मान लीजिए 24 है, 2 जो है 24 का फैक्टर है ना? बिल्कुल है।
3 भी 24 का फैक्टर है कि नहीं है? है। अब इन दोनों फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा? 3 2 6, क्या 6 भी 12 का फैक्टर है? बिल्कुल है। मतलब क्या समझ में आया कि अगर किसी नंबर के दो फैक्टर हैं, उन दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है वो भी उस नंबर का फैक्टर होता है। तो उस हिसाब से फैक्टर नहीं होता है, एक्चुअली डिवाइड करता है, ऐसे कहिए, उस नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी डिवाइड करेगा। इट डिवाइड्स दिस नंबर, डिवाइड्स पीएक्स को डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। पक्की बात, ये बात पक्की है, रिमाइंडर जीरो आएगा अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें। जैसे 6 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, पक्की बात। ठीक है, ठीक है कि नहीं, बोलिए। यस सर। जानते हैं वो हम फैक्टर क्यों नहीं बोले? आप लोग कंफ्यूज हो गए, फैक्टर क्यों नहीं बोलने से डिवाइड बाई क्यों बोलने? क्योंकि अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे 24 को 24 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, क्या 48 24 को डिवाइड करता है? तो आप बोलेंगे 48 24 का फैक्टर है, तो आप बोलेंगे नहीं। लेकिन ये बात पक्की है कि 48 24 को डिवाइड करता है, कितने टाइम्स? हाफ टाइम्स। कितने टाइम्स? हाफ टाइम्स, 48 हाफ जा आधे जा 24, रिमाइंडर पक्का जीरो है, ये पक्की बात है। इसलिए बोले इसको फैक्टर ना बोलकर डिवाइड बोला है। ये नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद पीएक्स को डिवाइड जरूर करेगा, मतलब रिमाइंडर पक्का जीरो है। ठीक है ना, ये वाला चीज। अब ये जो मल्टीप्लाई किए हैं ये आप देखिए x माइनस a x प्लस a जैसा है, तो इसको हम x स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5/3। मैंने क्या कहा, a प्लस b, a माइनस b जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए इस x को a समझिए, इस रूट 5/3 को b समझिए, तो a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर, x स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट घट जाएगा और माइनस 5/3 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो मतलब क्या हुआ, ये वाला जो नंबर है ये मल्टीप्लाई करके क्यों आया, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, डिवाइड डिवाइड कर देगा। तो ये डिवाइड कर देते हैं बता, ठीक है ना, डिवाइड करने जा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, तो अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इसको डिवाइड करते हैं। फटाफट से करो, 3x स्क्वायर आया 3x का पावर 4, और माइनस, अब देखिए इस माइनस 5/3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5/3 का मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस 5x स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर। आ रही बात समझ? और यहाँ 2x बचेगा, 2x और माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा 3x स्क्वायर। और ये 3 कैंसिल आउट, माइनस 5 बच गया,
ये हो गया माइनस, हो गया प्लस, पूरा कैंसिल आउट। ठीक, अब इस डिविडेंड को जो डिविडेंड दे रहे हैं पीएक्स, पीएक्स मतलब क्या, ये पूरा 3x का पावर 4, ये पूरा बराबर होगा इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का मतलब एक्स प्लस रूट 5/3। अब उसको फिर से तोड़ के लिख रहे हैं, एक्स माइनस रूट 5/3 ये हो गया, और इनटू दिस इनटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 के बराबर होगा, प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इज 0 तो प्लस 0 नहीं लिख रहे हैं। क्या लिखा, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब ये पूरा, यही तो पूरा पीएक्स है, इसको बस हम इतना बड़ा ना लिख के पीएक्स लिख दे रहे हैं आसानी के लिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मतलब ये, और ये नंबर कैसे आया था, इसी को तो सॉल्व करके लाए थे, x + √5 / 3 x - √5 / 3 को, तो मैंने वो पूरा तोड़ के लिख दिया इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट मींस ये नंबर 3x स्क्वायर + 6x + 3। अब इसको जरा देखिए, इसको सिर्फ कितने पे सॉल्व कर रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक से 3 3 9, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, तो यहां से कॉमन लिए 3x हो गया x प्लस 1, और प्लस 3 कॉमन लिए तो x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1, और एक तरफ हो गया 3x प्लस 3। ठीक, तो क्या समझ में आया कि इसके इतने फैक्टर हैं, x माइनस रूट 5/3 ये भी फैक्टर है, और x प्लस रूट 5/3 ये भी फैक्टर है, किसके, पीएक्स। अब फैक्टर थ्योरम को उल्टा लगा रहे, अगर ये फैक्टर है, ये अगर x प्लस 1 फैक्टर है, तो पक्की बात है कि माइनस 1 उसका एक जीरो होगा। अगर x माइनस a px का फैक्टर है, तो पक्का है कि a जो है उसका जीरो होगा, मतलब a मतलब px जो है जीरो के बराबर आ रहा होगा, फैक्टर थ्योरम के तहत। तो उसी तरीके से माइनस 1 इसका जीरो होगा, और 3x प्लस 3 करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे, तो x इक्वल टू 3x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना, ये भी इसका जीरो आ रहा होगा। दूसरा वाला जीरो क्या दिया हुआ है भाई, 2.3 का तीसरा, मतलब दो जीरो सेम आ जाएंगे क्या, हाँ, इसको भी अगर आप देखें तो माइनस 1, मतलब x माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस माइनस ऑफ माइनस 3/3 लिख सकते हैं ना, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 3, देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए ना, ओहो आप लोग समझ नहीं रहे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3, एक्स माइनस माइनस 3/3 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो गया 3, और यहाँ हुआ 3x प्लस, ठीक है, एक्स माइनस ऑफ माइनस 3/3 लिख सकते हैं, तो ये होकर क्या आएगा माइनस 1, या ऐसे कहें कि अगर ये जीरो के बराबर होगा, ये पीएक्स जीरो के बराबर होगा, तो या तो ये जीरो होगा, 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 अगर ये जीरो होगा तो मतलब 3x प्लस 3 जो है जीरो के बराबर होगा, और 3x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये दो जीरो हम बता दिए, दोनों सेम ही जीरो से, एक ही जीरो से, मतलब इसके इस इसके कितने दोनों एक ही आए, इसका मतलब इस वाले पॉलीनोमियल के तीन जीरो से, बड़े डिग्री चार है लेकिन जीरो तीन है, तीसरा और चौथा जीरो सेम ही आ रहा है, माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना। जीरोस कितने कितने आ गए, एक आ गया रूट 5/3,
एक आ गया माइनस रूट फाइव बाई थ्री और एक आ गया माइनस वन। और अगर चारों लिखने हैं तो फिर से दोबारा से माइनस वन, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, मतलब तीन जीरोस है इसके अंदर, ठीक है ना। तीसरा और चौथा जीरोस एक ही है। समझ में आया कि नहीं, किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछे। आ गया क्या? आ गया? यस सर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थ्री देखा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, जानते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फोर जो है डिविडेंड रूल से निकल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि अगर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसको अपन जो है डिवाइड करेंगे जी एक्स से। द कोशेंट दिया हुआ है जी एक्स, यहां पर जी एक्स इंटू डिवाइजर इंटू कोशेंट, और कोशेंट कितना दिया हुआ है एक्स माइनस टू, और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है भाई माइनस टू एक्स प्लस फोर। बस इसको सॉल्व कर लेना है, जी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस टू। ये पूरा ये प्लस है तो इधर आके हो गया जाएगा माइनस ऑफ माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू जी एक्स, ठीक है ना। देखिए फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो टू एक्स, टू एक्स प्लस, तो ये हो गया थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर, आंसर विल बी माइनस टू। दिस इज जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, सो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो आप ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करना हम सिखा चुके, कर लीजिएगा। इस ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देना है, कर लीजिएगा, कोई बताता नहीं है। और जो भी आएगा वही जी एक्स होगा। अभिषेक बताइए, करिएगा डिवाइड। अभिषेक आप लोगों में से? यस सर। हाँ कर लीजिएगा ना, ऊपर वाले नीचे वाले से डिवाइड, और जो भी क्वेश्चन आएगा बस वही जी एक्स होगा। अरे कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए, नहीं कर पाएंगे तो हम करें यहाँ पर, बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बताएं वैसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, एक बात यह है ना कि आप लोग खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इतनी क्वेश्चंस आप खाली कंसेप्ट समझिए कि कैसे क्या करना है, और खुद से कलम चलाएं तो आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो ज्यादा तेज होगा, आप ज्यादा बेहतर स्टूडेंट बन पाएंगे। और जरूर खुद से ही कोशिश करें, भले हम यहाँ बता रहे हैं वो क्वेश्चन भी आप देख के मत करें, अपने से करें, याद करने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे सर ने किया था, ठीक है ना। फाइव अगर आप कहें, फाइव को जानते हैं कि एग्जाम्पल देना है, बड़ा आसान है। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल देना है कि उस ऐसा पॉलिनोमियल कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री उसके कोशेंट के डिग्री के बराबर है, ऐसे पॉलिनोमियल को सोचना है जिसको
अब ऐसा नंबर सोचना है कि किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो उसके डिग्री क्वोशेंट की और डिवाइजर की सेम सेम होगी। तो देखिए अगर हम यहां पे x का पावर 4 ले लें और यहां x स्क्वायर ले लें तो इसकी डिग्री क्वोशेंट की डिग्री क्या आएगी, x स्क्वायर आएगी। यहां क्वोशेंट की डिग्री क्या आएगी, x स्क्वायर आएगी। और डिवाइजर की डिग्री क्या है, 2 है, x स्क्वायर का है, सॉरी क्वोशेंट की डिग्री क्या आएगी, 2 आएगी। और डिवाइजर की डिग्री क्या आएगी, 2 आएगी। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर से हमें मतलब ही नहीं है। लीजिए एक एग्जांपल, खोज दीजिए, खोज दिया, अपने दिमाग में खोज सकते हैं। तो ये हो गया कि अगर आप px की जगह x का पावर 4 ले लें और gx की जगह x स्क्वायर ले लें तो अपने को जो qx मिलेगा वो x का पावर 2 होगा, नहीं सॉरी px के बराबर होगा, ठीक px के बराबर होना चाहिए, ये वाले डिग्री इसके बराबर होना चाहिए, डिवाइजर के नहीं। तो ये एग्जांपल काम नहीं करेगा, ये एग्जांपल काम करेगा आपके कहीं किया। तो आपको ऐसा एग्जांपल सोचना है जिसमें यहाँ पे कोई नंबर है तो जो यहाँ आए उसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम सेम। देखिए कांस्टेंट ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ये भी तक पॉलीनोमियल है। और यहाँ 2 ले लीजिए, 2 2 4, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है कि नहीं। क्या किया मैंने कि px को अगर 4 ले लिए सपोज और gx की जगह 2 ले लिए तो हमको जो qx मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। और इसकी डिग्री कुछ नहीं है, इसका पावर 0 है, इसका पावर 0 है, इसका पावर 0 है। qx और px की डिग्री सेम सेम है, 0 0 है कि नहीं। ऐसा कुछ भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं अपने मन से, इसके अलावा भी सोच सकते हैं। बस आपको करना ये है कि जो डिविडेंड का डिग्री है डिवाइजर की डिग्री वही होनी चाहिए। जैसे आप अगर x क्यूब कर दिए सपोज कीजिए तो यहाँ भी x क्यूब होना चाहिए, तो इसका मतलब हमको डिवाइजर के लिए क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा एग्जांपल। क्या किया मैंने, gx की जगह 1 ले लिया, qx आया हमारा x क्यूब और px क्या है, x क्यूब। तो इन दोनों की डिग्री सेम है, 3 और 3। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते बताइए, बताते नहीं है आप लोग। अरे खोज लेंगे ना एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बस आपको क्या करना है कि जो ये डिविडेंड की डिग्री है और ये जो क्वोशेंट की डिग्री है ये सेम आनी चाहिए, बस ऐसे दिमाग लगाना है। ठीक ठीक है, यस सर। उसी तरीके से अगर इसका दूसरा पार्ट देखें, अपने को ऐसा पॉलीनोमियल खोजना है जिसमें डिग्री ऑफ qx मतलब क्वोशेंट की जो डिग्री है और रिमाइंडर की जो डिग्री है वो सेम हो। मतलब कि ऐसा यहां खोजना है कि जो डिग्री यहाँ है रिमाइंडर में भी वही है। बड़े आसान से देखिए, 4x ले लिए यहाँ, x ले लिए, 4 टाइम हो गया 4x, कितना आएगा, 0। 0 की डिग्री नहीं पता, थोड़ी ऐसा करें 0 की डिग्री जानते हैं, बड़ा मुश्किल है, 0 की डिग्री डिफाइन नहीं होती क्योंकि 0 इंटू x का पावर क्या लेंगे आप, 1 लेंगे तब भी सही, 2 लेंगे तब भी सही, 3 लेंगे तब भी सही, क्या डिग्री बताएंगे, 0। इसीलिए Rx में 0 नहीं लाना है क्योंकि 0 की डिग्री डिफाइन नहीं होती।
तब सोचिए कैसे करें भाई जी। मान लीजिए यहां 2x दे दिया, यहां भी समथिंग x आना चाहिए, इसका मतलब समथिंग x बचना चाहिए। यहां पे अगर हम 4x दे लें, सपोज करिए 5x दे लें और यहाँ पे 2 कर दे, तो 2 into 2x is equal to 4x और रिमाइंडर बन गया x। अब देखिए इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम, सोच लिया होता है आप लोगों को कैसे सोच रहे, क्या हो गया भाई gx हो गया आपका 2, px हो गया 5x, 2x हो गया 2x और rx हो गया x, और rx और qx की डिग्री सेम है, यही करना था, qx और rx की डिग्री सेम होनी चाहिए है। एक एग्जांपल हमने सोच लिया है सर, है ना, ऐसे ही आप तीसरा भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। कर लेंगे, आप लोग बताते नहीं है, आप लोग थक गए हैं मुझे पता है, सुबह से आपकी क्लास चल रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम भी क्लास कर रहे हैं सुबह से, ठीक है। तो आप इसको देखिए, समझ आया बात। तो इसी तरीके से इस चैप्टर की समाप्ति की ओर हम पहुंच रहे हैं, इस चैप्टर की समाप्ति की ओर हम पहुंच रहे हैं। एक बात ये और थी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में वो सिलेबस कट कर दिया गया है, लेकिन बुक में है इसलिए हम आपको बता देते हैं। और वो बात ये है, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो जीरो होते हैं, वैसे क्यूबिक पॉलीनोमियल के 3 जीरो होते हैं। अगर तीनों जीरोस को जोड़ दिया जाए, अच्छा तीनों जीरोस का नाम भी लिखा होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों जीरोस को अगर जोड़ दिया जाए, ये अल्फा बीटा गामा देख के बहुत लोगों का चक्कर आ जाता है, कुछ नहीं, उस जीरोस को हम अल्फा बीटा गामा से बोल रहे होते हैं, कुछ नाम दे दिए, मतलब पहला जीरो अल्फा है मान लो, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है, आप एबीसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मैथमेटिशियन थे वो ग्रीक के थे, जो इस टाइम के मैथमेटिशियन थे अल्जेब्रा में, हालांकि इंडियन भी बहुत हैं, लेकिन इंडियन वाले थोड़े गरीब होते हैं ना, तो उनका नाम नहीं आ पाया, वो पीछे रह गए नाम लिखवाने में, नाम लिखवाने में बाहर वाले मैथमेटिशियन ज्यादा है, लेकिन इसका यह अर्गेंस मतलब नहीं कि इंडियन में मैथमेटिशियन कम थे। आर्यभट्ट इज वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, रामानुजम इज वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, जिसको बाहर वाले रिकॉग्नाइज किए, रामानुजम ने जो इक्वेशन बनाई थी, अगर मैं आप लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा उसमें आप हायर स्टडीज करेंगे तो मैथमेटिक्स तो आपको समझ आएगा। तो रामानुजम ने जो इक्वेशन किया था ना, जो बाहर के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, पर वो एकदम हैरान हो गए, उन्होंने रामानुजम को बुलाया, उस वक्त रामानुजम को कोई नहीं जानता था, रामानुजम मतलब छोटे से उस जगह से थे, कोई उतना नाम ही नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये आदमी इतना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है, तो उसने उसको बुलाया और फिर उसको दुनिया को बताया कि ये देखो ये एक लड़का है जो इतना कमाल का आदमी है, जिसने इस तरह का इक्वेशन को बनाया सॉल्व किया। तो इस बात ये बात वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन, आर्यभट्ट इस तरीके से बहुत है, पर जो है क्योंकि इंडिया में पहले थोड़ी गरीबी थी, ब्रिटिश शब्द रूल कर रहे थे, तो उसलिए उतना नाम नहीं हो पाया जितना ये लोग नाम ले गए, इसीलिए ग्रीक मैथमेटिशियन ज्यादा थे, इसलिए सब ज्यादा जो लेटर है ना वो ग्रीक लेटर ज्यादा दिया जाता है, थीटा अल्फा बीटा गामा ये सब ज्यादा आता है, ये ग्रीक में लेटर होता है, इंग्लिश में एबीसीडी होता है, उर्दू में अली बेते होता है, इसमें अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है ना, सारे व्यक्ति गायब होते चले जा रहे हैं, ये भी देखिए नीतू बस बच्ची है,
ये जो है ये ना, अगर आपका क्यूब ऐसे है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स सपोज कीजिए, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी ए के बराबर होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर हम अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कर रहे होते हैं, मतलब इसका सब मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे होते हैं, तो अपने को मिलता है सी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और इस तरीके से अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अल्फा बीटा गामा को, तो हमको मिलता है माइनस डी अपॉन ए, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसे क्वाड्रेटिक में करते हैं, वैसे ये क्यूबिक का है। अगर ये बात समझ में, हालांकि आपके एग्जामिनेशन में शायद आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है पिछले कुछ सालों से, एक दो सालों से, जब मैं पढ़ा करता तो था उस टाइम ये सिलेबस में था, अभी मुझे शायद लगता है खत्म कर दिया गया। बहरहाल आपको समझ में आ गया, नहीं तो हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमने पॉलिनोमियल को समाप्त कर दिया है, पॉलिनोमियल चैप्टर आपका पूरी तरीके से हमने जीरोज और पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझा है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो समझा है, अगर जीरोज दिया हो तो उस पॉलिनोमियल को कैसे बताएंगे कौन सा पॉलिनोमियल है वो समझा है ना, और पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड करते हैं वो समझा है, अगर कोई डिग्री फोर का पॉलिनोमियल है और दो जीरोज दिए हों तो बाकी दो जीरोज पूछे हों उसको कैसे करेंगे वो समझा है। ये सारी बातें हमने पिछले कुछ क्लासों में समझ ली और बड़ी सफलतापूर्वक, बड़ी खुशी के बाद जब एक एक बारीकी एक एक चीज़ों को देखते हुए समझते हुए समझाते हुए हम समझाते हुए पूरे चैप्टर को निचोड़ लिए हैं, समझ लिए हैं, ठीक है ना, आप समझ पाए हैं उस तरीके से जिस तरीके से हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, वो देखने की बात है, वो टेस्ट हम लेंगे तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उम्मीद जिस तरह से कर रहे हैं आपको वैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप भी कृपया करके मेहनत करें और कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा नंबर लेके आए बोर्ड में, टेंथ बोर्ड में, ठीक है। तो हम यही क्लास को समाप्त करते हैं, अच्छा खाइए अच्छा पीजिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।